टैक्सी आ गया है बाहर, तो चलें। चलो अच्छे से खाना खाओ, मैं चलता हूँ, ठीक है? हम जाते हैं दामाद बाबू को लाने के लिए। बाबूजी, ठीक। आप क्यों ऐसे रो रही हो तुम? तुमने तो कहा था कि मेरे जाने से तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। रोहिणी सिंह, ये तुम खड़े खड़े सपने देखना कब बंद करोगी? ये सपना नहीं, सच। मिस्टर जी, अब सच, अब यहाँ बात अमाद जी, क्या बात है? नमस्ते। जीते रहिए, इसको कहते हैं मन से मन का रिश्ता। अरे मिस्टर जी, तो सच में आ गए, अब कहीं बाबूजी से सब सच ना बता दे। अरे हम खुद ही आने वाले थे आपको लेने के लिए, लेकिन कुछ अड़चन के कारण नहीं आ पाए। भोले बाबा हमारा मन का बात जो है ना, आपके मन तक पहुंचा ही नहीं, और साक्षात दामाद बाबू हम लोगों के सामने। ठाकुरायन, अरे ओ ठाकुरायन, आज सवेरे ही आपको बुलाने का चर्चा हो रहा था, अच्छा किए जो आ गए। अरे भाई, चाय नाश्ता का प्रबंध किया जाए। जी लाते हैं। बैठिए दामाद बाबू। समझे में नहीं आ रहा है कि काहे आ गए। और दामाद बाबू बताइए, आपका काम काज कैसा चल रहा है? बेटा जी बता रही थी कि आजकल बहुत बिजी रहते हैं आप। जी वो, हाँ बिजी रहते हैं ना, मीटिंग पे मीटिंग और फिर कंप्यूटर में लगे रहते हैं, इसीलिए हम यहाँ आ गए ना, हमें टाइम ही नहीं देते ये, लेकिन यही हमारे पीछे आ गए अब। बहुत अच्छा किए दामाद बाबू। आपकी बेटी का बस चले ना, तो वो मुझे काम ही ना करने थे। हर औरत का अपने मर्द से यही शिकायत रहता है कि अपना पति उसे वक्त नहीं देता। दुनिया को तो पता नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि अपनी बीवी की ये शिकायत दूर कर देता हूँ, इसलिए मैं रागिनी के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए यहीं चला। ये अचानक से मिस्टर जी को कहा हो गया? दामाद बाबू अब आप आराम कीजिए, शाम को बतियाते हैं। आप रागिनी के रूम में जाइए, हम चाय नाश्ता वहीं लेकर आते हैं, तब तक आप फ्रेश हो जाइए। जी चलिए। अब आप ही कौन सा नया तमाशा खेल रहे हैं हमारे साथ? हाँ, अरे हम तो दामाद जी से पूछना ही भूल गए कि वो खाने में क्या खाएंगे, क्या बनाएंगे उनके लिए। चलो उन्हीं से पूछ लेते हैं। हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, आप क्या करने आए हैं यहाँ? आप तो लंदन जाने वाले थे ना,
फिर यहाँ काहे आए हैं? जाने वाला था लेकिन मूड चेंज हो गया तो वापस आ गया। लेकिन काहे? क्योंकि तुम ये चाहती थी कि मैं लंदन चला जाऊं और मैं ये चाहता हूं कि तुम मेरे साथ घर वापस चलो। अब एक काम करो, जल्दी से अपना जो सामान है ना सब पैक कर लो, कल सुबह हम घर के लिए निकलेंगे। आप कुछ भूल रहे हैं मिस्टर जी, हम आपसे और आपके परिवार से सारे रिश्ते नाते तोड़ के आए हैं। और मैं यहां सभी रिश्ते जोड़ने आया। आपके लिए सब कहना ना बहुत आसान होगा, लेकिन अब हम आपके साथ कभी वापस नहीं जाएंगे। और मैं तुम्हें यहां से लिए बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। आप रागिनी सिंह को आजमा रहे हैं। दामाद जी, हम आपको पूछना भूल गए कि आप खाने में क्या पसंद करेंगे? सासू मां, जो बस रागिनी की पसंद है वही मेरी पसंद है। क्या है ना, वो इसने मुझे अपना स्वाद लगा दिया। अच्छा बात है, इसका पसंद तो हमें पता है। खराब करने आए हैं। सृष्टि जी कितना ध्यान रखती थी हमरा, फिर भी हमसे दूर चली गई। उन्हें भी तो हमारी याद आती होगी ना, हमें उनसे मिलने जाना होगा। संभालो बेटा, संभालो। अच्छा तुम खुद काहे खड़े हो गए? पापा, हाँ हमें ना बहुत सर दर्द हो रहा है, हमें डॉक्टर के पास ले चलिए। हाँ, ले जाएंगे, पहले बैठो 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 आराम से, माँ भी डॉक्टर को बुलाते हैं, ठीक है बेटा? अरे दिव्या, अरे जरा विशु के पास आना। हमारी दवा तो सृष्टि जी है भगवान, हम जल्दी ठीक हो जाएं ताकि उनके पास जा सके। ये रहे राम अवतार के गर्मा गर्म समोसे, खास आप सबके लिए। अरे वाह, हमें समोसे की याद आ रही थी, तुम हमारे लिए समोसा ले आई, कमाल है। ऐसे कोई लेता है क्या? अरे मुझे भी दो। वाह, राम अवतार के समोसे ऐसा कुछ नहीं, मैं कम से कम दो दिन खाऊंगा आज। इसका मतलब ये है कि तुमने अभी तक सृष्टि के हाथ के समोसे नहीं खाए। सृष्टि समोसे भी बना दिए, हमें तो कभी समोसे खिलाए नहीं आपने। तुम ये समझ लो कि राम अवतार वाला है ना, इनसे ही ट्रेनिंग लेता है। चल ऐसा भी कुछ नहीं। लगता है विशु जी तुम्हें याद कर रहे हैं। उनके अलावा तो इतनी बेचैनी से तुम्हें कोई याद नहीं कर सकता। Are you okay?
अम्मा जी, अंग्रेजों वाला कांटा छुराना हमारे सामने मत रखा करो। हम देसी आदमी है, समझे? एग्जैक्टली ये कांटे छुरी से खाने का क्या मजा? I mean, जो मजा हाथ से खाने का आता है वो तो कांटे छुरी से क्या आएगा? ये मुझे भी नहीं चाहिए। दामाद बाबू, आप वहां का है बैठे, यहां बैठे। नहीं बाबू जी, वो जगह हेड ऑफ द फैमिली की है और ये चेयर आपकी है, इस पे आप आराम से बैठिए, मैं यहाँ एकदम ठीक हूँ। थैंक यू। मिस्टर जी गिरगिट की तरह रंग काहे बदल रहे हैं? पहले तो बाबूजी से सीधे मुंह बात भी नहीं करते थे। आइए भोजन करते हैं। रागिनी, तू काहे बैठ गई? काहे अम्मा जी, हम खड़े होके खाना खाएं। बिटिया, मेरा वो मतलब नहीं, पर लड़की शादी के बाद अपने पति के सामने नहीं बगल में बैठती है। पहले उन्हें खाना खिलाओ, तुम तो बाद में भी खा सकती। अरे हाँ भाई, दामाद जी का विशेष ख्याल रखिए, कहीं संकोच में भूखे ना रह जाए। ससुरा हमारे ही घर में, हम खुद ही रामू काका बने जा रहे हैं। चलो, सोच क्या रही है, परोसो। अब हाँ रागिनी, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। तुम्हारा पति भूखा बैठा है, तुम्हें थोड़ा जल्दी सर्व कर दो ना प्लीज। ए गुड्डी, जाओगी? इतने देर से बोल नहीं है, जाओ ना। हाँ जा रहे हैं, आ रहे हैं। ये राइस, इतने सारे कार्ब्स मैं रात को नहीं खाता हूँ। वैसे भी राइस खाने छोड़ दिया मेरे को, आजकल ना वो गरम गरम चपातीज बहुत पसंद है क्या? हाँ है। रागिनी, अपने पति के खाने की पसंद नापसंद का ख्याल रखा करो। हाँ वो तो है, और ये राइस भी बहुत ज्यादा है, थोड़े कम हो जाएंगे प्लीज। हो जाएंगे। अब ठीक है? हाँ परफेक्ट। अब सैलेड मिले? सलाद। हाँ वही मिलेगा, काहे नहीं, दामाद जी के लिए ना बना है। अरे तो दो ना। अरे दो ना, अच्छे से दो। अच्छे से ही ना दे रहे हैं, और दे। नहीं नहीं बस ठीक है, परफेक्ट। क्या बात है गुड्डी, अम्मा बड़ा संस्कारी हो गई है गुड्डी हमारी। हाँ हाँ संगत का असर है। क्यों बाबा जी, क्यों रागिनी? बिल्कुल। अरे मैंने तुम्हें बहुत परेशान कर दिया, ये तुम्हारी सजा थी। तुम इतने दिनों से मेरे साथ जो नहीं थी, चलो अब मेरे साथ बैठो और खाना खाओ। साथ में खाना नहीं खाओगी? बैठो रागिनी। बैठ रहे हैं। अब ठीक है? परफेक्ट। मिस्टर जी, इतने बड़े नौटंकी की बात निकलेंगे, हमें तो पता ही नहीं था। सिखाओ।
जीजा जी, मिर्चा ज्यादा हो गया क्या? मुश्किल लग रहा आपको? लीजिए पानी, पानी पीजिए, पानी 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 पानी, हाँ लीजिए पानी। तुम रुको, मैं परोस रही हूं। जी नहीं अम्मा जी, और कुछ नहीं, थैंक यू। दामाद जी ये हमारा पैर है। पी लीजिए। वैसे दामाद बाबू, हमें आप पर ना गर्व है। आप इतना दूर लंदन में जाकर पढ़ाई लिखाई की, लेकिन अपना देश अपना जिला में काम करने के लिए आए, ये बात का हमको बहुत खुशी है। थैंक यू सो मच बाबू जी। आपकी बेटी मुझे लंदन वापस भेजना चाहती है। नहीं नहीं बाबू जी, हमारा मतलब था कि 2-3 महीने लंदन जाके थोड़ा काम वाम कर लेते ना, और फिर हमें भी यहाँ पे घूमने फिरने का मौका मिल जाता, इसीलिए। लेकिन अरे बेटा जी, आप तो लंदन ऐसे भी घूमने जा सकती है। एग्जैक्टली इसमें दामाद बाबू को वहां जाके काम करने का क्या जरूरत है? ये तो कल ही टिकट बनवा देते। नहीं नहीं, उसका कोई जरूरत नहीं। वैसे दामाद बाबू पहले भी कह चुके हैं, फिर कहते हैं, अगर काम धंधा में कोनो चीज का जरूरत हो, मदद का जरूरत हो, तो संकोच मत कीजिएगा। हम जानते हैं कि आप स्वाभिमानी हैं, लेकिन हम तो आपके अपने हैं ना, तो अपनों से काहे का संकोच। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता था कि आपने जब काम शुरू किया था तो कैसे किया था? स्टार्टिंग में आपको किसने हेल्प की थी? कैसे सब कुछ शुरू हुआ, मैं जानना चाहता हूँ। किसी ने नहीं, और ना ही हमको ना किसी का मदद का जरूरत था। दामाद बाबू, हम अपने बलबूते पर ना ये पूरा सफर तय किए, खुद अपना मेहनत से ये पूरा कारोबार और साम्राज्य को खड़ा किए। तो बाबूजी, क्या आप ये नहीं चाहते कि मैं भी इतने ही प्राउड से अपने बच्चों को यही बात बोलूं? बच्चे? कि मैंने कभी किसी की कोई मदद नहीं ली, सब खुद अपने दम पर किया है। आप पर ना हमारा गर्व अभिमान बनता जा रहा है। भोले बाबा आपका मदद करेंगे। थैंक यू। सीखिए, अपना बहन और दामाद जी से कुछ सीखिए आप, नहीं तो बेच के खाने के अलावा ना दूसरा कोनो काम नहीं कर पाइएगा। अच्छे लग रहे हो दामाद जी। अरे अम्मा जी, ये आप क्यों ले आई? रागिनी को बोलना था, वो ले आते हैं। अरे अपने बच्चों का काम करने में संकोच कैसा? वो रागिनी अपने बाबूजी के पास थोड़ा हिसाब किताब निपटा रही है, तो हमने सोचा हम ही ले आते हैं। थैंक यू। दामाद जी, हम जानते हैं आपके और रागिनी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब नहीं नहीं अम्मा जी, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं, सब ठीक है। बात कैसी है वो हम जानना भी नहीं चाहते, हम सिर्फ इतना बता रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। हमारी रागिनी है ना, वो सिर्फ जीतना जानती है या फिर छीनना। समझौते का जीवन मंत्र हम उसे सिखा नहीं पाए, पर हुआ कुछ ऐसा हुआ है कि वो जीत के हार गई या फिर छीन के अकेले पड़ गई और यहाँ आ गई। लेकिन आपकी नीयत सच्ची है जो आप उसे लेने आए हैं, इसलिए हम आपकी मदद करना चाहते हैं। हमारी रागिनी आपको बहुत प्यार करती है,
और इसी प्यार से हमें उम्मीद है कि आप सब कुछ ठीक कर देंगे। हमें यकीन है आप अपनी बीबी को यहाँ से लेकर ही जाएंगे। थैंक यू। दामाद जी का ख्याल रखना। जितना तमाशा करना था ना कर लिया आपने। अब कल सुबह ना चुपचाप यहाँ से चले जाइएगा। इसी में हम दोनों का भला ही है। मैं तुम्हें यहाँ से लिए बगैर नहीं जाऊंगा। दैट्स फाइन। मैं ना आपका यहाँ पे जीना हराम कर दूंगी। तुमने जो करना है कर लो, लेकिन अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारे बाबूजी को सब सच बता दूंगा कि तुम कैसे और किस हालात में इस घर में आई थी। और उसके बाद वो तलवार से मेरी गर्दन काटेंगे या बंदूक से उड़ाएंगे। I'm confused. I seriously don't know. कुछ ज्यादा ही उड़ रहे हैं मिस्टर जी। देखते हैं कैसे नहीं जाएंगे यहाँ से।